जनपद बहराइच से बड़ी खबर। तहसील मेहीपुरवा ब्लॉक मेहीपुरवा ग्राम पंचायत लालपुर गोपिया ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार। ग्रामीणों की जमीन कट गई। ग्रामीणों का आरोप लेखपाल द्वारा गलत रिपोर्ट लगाई गई। ग्रामीणों का आरोप लेखपाल द्वारा बिना जांच किए रिपोर्ट लगाई कि 2017 जमीन गई है। ग्रामीणों का आरोप लेखपाल ने फर्जी तरीके से रिपोर्ट लगाई। हमारी जमीनें 2022 में कटी हुई। ग्रामीणों का आरोप 64 बीघा जमीन पानी में कट गई। ना हमको हमारी फसल का मुआवजा मिला और ना ही हमारी जमीन मिली। और मेहीपुरवा तहसील में कोई अधिकारी नहीं सुनते हैं। अब हम कहां जाएं और किससे कहें। ग्रामीणों ने कई बार IGRS डाला जिस पर बार बार लेखपाल गलत रिपोर्ट लगा देता है। कुछ तो ऐसे ग्रामीण है जिनकी खड़ी फसल पानी में समा गई। 64 बीघा में से कुल 15 बिस्वा जमीन बची है। अब हम कैसे अपना जीवन यापन करें और कहां जाएं। बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रार्थना पत्र भेज रहे हैं फिर भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। आखिरकार ऐसे अधिकारी कब तक काम करेंगे कि ग्रामीणों को भूखा मरने की नौबत आ गई है। वही जब मीडिया ने लेखपाल से संपर्क किया तो लेखपाल महोदय ने बताया कि उनकी जमीनें 2017 में कटी थी। तब मीडिया कर्मी ने बताया कि महोदय जी मौके पर आकर मुआयना करें फिर आप अपनी आख्या और रिपोर्ट गलत और सही लगाएं। यह जमीनें 2022 में कटी हैं और जो पहले कटी थी उसका मौजूदा निशान मौजूद है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि लेखपाल राम इकबाल। ग्रामीणों का आरोप है गौरव पिपरा निवासी मिराज अहमद लेखपाल राम इकबाल के करीबी बताए जा रहे हैं। इनके कहने पर लेखपाल साहब ऑफिस में बैठे ही पूरी सत्यापन करके अपनी आख्या और रिपोर्ट लगा देते हैं। क्या लेखपाल महोदय से कोई अधिकारी पूछने वाला नहीं है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। गरीब जनता के साथ क्या। खबर प्रकाशित होने के बाद गरीब जनता को उनका हक मिलेगा क्या। आला अधिकारी इस मामले को संज्ञान में लेकर जाँच करेंगे कि इसी प्रकार ग्रामीण दर दर भटकते रहेंगे आखिर कब मिलेगा इनका हक और इनकी जमीने। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं ग्रामीण। रिपोर्ट 63 बीघा जमीन थी। कितनी बची है। कितनी बीघा। 70 बीघा जमीन रही। अच्छा तो आपने शिकायत किया इसके लिए किसी से। हमने IGRS पर किया था जनसेवा माध्यम से किया था। लेखपाल ने गलत रिपोर्ट दर्शा के इस पे अपना रिपोर्ट लगा देता है बार बार। हम जाते हैं तहसील। इसके बाद हमने वहाँ पर एक तहसील दिवस था उसमें भी एप्लीकेशन दिया है उसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो लेखपाल से आपने कहा तो लेखपाल आपसे क्या कह रहा है। लेखपाल से हमने कई बार कहा उसने बोला कि अब किस बार तुम्हारी जमीन नहीं कटी है तो हम नहीं दिलवा पाएंगे मुआवजा। कई बीघा जमीन कटी है आपकी। जमीन हमारे पूरे परिवार की 63 बीघा जमीन थी। कितनी बची है। कुल मुश्किल से बची होगी 15 बिस्वा। अच्छा सारी जमीन कट गई। 63 बीघा में कुल 15 बिस्वा बची है। अच्छा तो आपने इसके लिए प्रार्थना पत्र भी दिया आपने बात भी किया। लेखपाल मौके पे आए को बार। एक बार भी नहीं आया। अच्छा तो रिपोर्ट कैसे लगा दिया उन्होंने। रिपोर्ट अपने माध्यम से लगा देता 2017 में कटे किस बार जमीन नहीं कटी है। अच्छा लेखपाल का कहना है कि 2017 में जमीन कटी अब की बार नहीं कटी है। ऐसे बोल रहा है। अच्छा तो आप लोग क्या चाहते हैं। हम लेखपाल के ऊपर कार्रवाई चाहना चाहते हैं। अच्छा खाली कार्रवाई चाहते हैं और इसके बाद जो जो हमारी सरकार करेगी मुआवजा के लिए हिसाब वही मुआवजा मिलना चाहिए। अच्छा किसी ने आपको आश्वासन दिया अभी तक। जी कोई नहीं दिया अभी तक। किसी और आला अधिकारी से संपर्क में तहसीलदार के पास गए थे आप। तहसीलदार पास गए थे तो क्या कहा उन्होंने। प्रार्थना पत्र दिया था इसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा। अच्छा डीएम साहब ने। डीएम साहब भी कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया मतलब आप शिकायत कर चुके हैं कई जगह। जी कई जगह। कितने दिन से समस्या है आपके साथ। समस्या बाढ़ में आई थी 2 अक्टूबर में। 12 अक्टूबर को बाढ़ आई थी उसी में जमीन कटी। हमने फिर इसके बाद अवगत कराया। अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला कहीं। अच्छा 2022 में। 2022 में कितनी जमीन थी आप लोगों की भी गई है। ये मेरा खेत है यही कट गया है। अच्छा ये आपका खेत है। जी ये मेरा खेत है। अच्छा लगा गन्ना लगा हुआ था वो सारा गन्ना भी कट गया। और अभी तक कोई मतलब कि देखने तक नहीं आया कि आपका गन्ना कटा है या नहीं कटा है। अच्छा तो आपने लेखपाल से कहा। नहीं लेखपाल से तो मैंने अच्छा नहीं कहा लेकिन मतलब यहाँ पे देखने नहीं आए हैं। देखने कोई नहीं। चलिए धन्यवाद।